कसमे निभावेला जा है, रस्मे निभावेला जा है, करल जा है फूलों की बरसात, प्रेम से भरल है एकर मिटिया के स्वाद, लोगन हाथीन यहाँ के बड़े रंगीन मिजाज, थिरका है गोडवा जहाँ गीतवा पर, एक समय बहा हले ज्ञान निर्वाण की धारा यहाँ पर, बिहार है आपन पुनर्का बिहार। आज का यह जो वीडियो है यह लखीसराय ज़िले का, लखीसराय यहाँ के जयनगर नाम का गांव है। जयनगर गांव में लाल पहाड़ी नाम की जगह है। इस लाल पहाड़ी पर एक प्राचीन बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षुनी मठ पाया गया है। ये देश का पहला ऐसा मठ है जो रिकवर किया गया है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय जी नीतीश कुमार जी द्वारा यहाँ पर पुराकार लिया गया है। तो हम ये जो स्थल है यहाँ पर पाए गए अनगिनत जो अवशेष है उनकी जानकारी लेने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, ये जो बोधिसत्व का कारवा है, ये जो ऐतिहासिक जो सफ़र है, वह गुजरात राज्य में हमने अपना काफिला जो है वहाँ से हमने हमारा काफिला रद्द किया और हम वापस आए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से हम आए थे पटना। पटना यहाँ से जो हमारा ये जो ऐतिहासिक सफ़र है आगे बढ़ता रहा है। पटना से अभी हम लखीसराय में आए हुए, लखीसराय से आगे हम सुल्तानगंज और भागलपुर विक्रमशिला यहाँ पर जाने वाले हैं। और इनके बीच में जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे जो स्थल है, आज कहाँ तो वो उनकी जो आइडेंटिटी है वो मतलब लोगों के सामने आई नहीं और वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं, ऐसे स्थल आपको निकालें। तो हम चलेंगे ये जो भिक्कुनियों का जो मठ है, जो प्राचीन बौद्ध विहार है, उसका नाम था श्री मदम्मा विहारे, तो उसकी हम जानकारी लेंगे। बहुत ही रोमन रोचक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपसे अनुरोध है इस ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। परदेसी आइल दुआरे हो गोरी केसिया समारे, सब पापस करणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपणं एतं बुद्धान शासनं। प्राचीन ग्रंथों में लखीसराय यहाँ स्थित चलिया पर्वत की श्रृंखला में तथागत बुद्ध ने अपना 13वां, 18वां, 19वां वर्षावास बिताया था, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और यह जो लखीसराय स्थल है पटना से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के लखीसराय यहाँ के, यहाँ की जो लाल पहाड़ी है, जयनगर नाम का इलाका है, जयनगर का गांव है, यहाँ पर आए हुए। और ये जो पुरातत्व स्थल है, यहाँ का जो प्राचीन बौद्ध स्मारक है, उसके हम जानकारी लेंगे। देखिए गांव इस प्रकार का है, यानी कि पहाड़ के ऊपर ही बसा हुआ यहाँ का ये पहाड़ है। इसके आगे हमें चलिया पहाड़ी, जहाँ पर तथागत बुद्ध 3 साल ठहरे थे, 3 साल रुके थे, वह भी हमें देखने को मिलेगी। हम सबसे पहले यहाँ की जो लाल पहाड़ी है और यहाँ की जो बुद्धिस्ट साइट है वह देखेंगे, उसकी जानकारी लेंगे। आइए, ये देखिए जो साइट है, इस साइट को यहाँ पर देखिए एक बाउंड्री मार दी गई है। Thank you.
लखीसराय के लाल पहाड़ी पर, जिसे श्री मधम्मा विहार कारिका कहा जाता था, इसके हम जानकारी लेंगे। यह प्राचीन बौद्ध मठ बहुत ही नायाब और बहुत ही भव्य है, इस भव्यता की भी हम जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ बिहार राज्य के युवक है जिनका नाम है प्रिंस बुद्ध मित्र, वो बुद्ध के पद चिन्ह पर काम कर रहे हैं और जो बुद्ध के रिलेटेड जो पुरातत्विक स्थल है उनकी वह खोज कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ बिहार राज्य में जो पुरातन स्थल है इतने बड़े पैमाने में बिखरे हुए उनकी भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले नमो बुद्धाय, आपका स्वागत है बोधिसत्व इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये जहाँ पर हम आए हुए लखीसराय में, इसकी आपको क्या जानकारी मिलती है? देखिए, ये लखीसराय जो है पहले भागलपुर में हुआ करते थे, अभी लखीसराय स्वतंत्र जिला है। लखीसराय को बुद्ध काल में जी क्रीमला नगर से जाना जाता था। हाँ, जो लखीसराय जिला है वो आज से पटना से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो लखीसराय क्रीमला नगर से जाना जाता था। क्रीमला नगर ऐसे नाम पड़ा जो भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद थे उनका सहयोगी का नाम क्रीमल था, जो यहीं के निवासी था। तो क्रीमल जो था वो यहाँ के सृष्टि का पुत्र था, तो भगवान बुद्ध उसी के बुलावे में सवास किए, तो क्रीमल नगर का नाम आप जान चुके हैं। और आपको हम बोर्ड दिखाना चाहेंगे, चलिए आइए आगे आपको यहाँ का बोर्ड दिखाएंगे और उसकी जानकारी देंगे। यहाँ खुदाई में जो भी देश में बिरले ही पाए जाते हैं, ऐसा पता चल, सागर जी जैसे बताए हैं जी हाँ, कि यहाँ देश की पहली बौद्ध भिक्षु महाविहार पाई गई है। और यहाँ महाविहार के जो कमरे हैं उनके दरवाजे में जी गेट लगी हुई है जी। तो ऐसा हम लोग को नालंदा तेल्हाड़ा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नहीं मिलता है। तो इस बात से पुष्टि यह भी होती है, सच का बल मिलता है कि ये महिलाओं के लिए बौद्ध विहार हुआ करती थी। और ये क्षेत्र जो थी गुप्तों और पालों के शासन की इकाई में थी, पाल काल में तो इसका काफी महत्व बढ़ गया था इस क्षेत्र को, क्रीमला नगर को। हाँ। चलिए आपको दिखाइए और इसकी जानकारी हमें अभिधम्म पिटक जो है त्रिपिटक में उसके अंदर हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा यहाँ पर यहाँ का जो उत्खनन कार्य है इसका आरम्भ जो उनके हाथ से यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगाया गया, बिहार विरासत विकास समिति पटना एवं विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के संयुक्त तत्वावधान में लाल पहाड़ी यानी कि जयनगर का जो इलाका है लखीसराय जिले में पुरातात्विक उत्खनन का शुभ आरंभ आज दिनांक 25 नवंबर 2017 को किया गया। तो यहाँ पर जानकारी दे रहे फ्रेंड्स जी हमें, ये जो खुदाई हुई थी ये प्रोफेसर अनिल कुमार के नेतृत्व में खुदाई हुई थी जी। तो उन्होंने खुदाई में ऐसा दावा किया है कि देश में देश की पहली बौद्ध विहार जो महिलाओं के लिए बनी, महिलाओं के लिए। तो यहाँ जो सामान मिली है इस बात को साक्ष्य मिलता है, यहाँ चूड़िया भी मिली है और इसे पाल रानी मल्लिका देवी ने एक भिखनी को दान में दिया था। ऐसा तेल्हाड़ा और नालंदा विश्वविद्यालय के बाद ये ऐसा महाविहार है जहाँ पे एक सिक्कों पर इसका नाम अंतरित मिला है। इससे बात साबित होती है कि पाल रानी मल्लिका देवी ने एक बौद्ध भिक्षु संघ को दान में दिया था। तो इससे बात के चलता कि पाल धर्म जो धर्मावलंबी थे तो बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित, ये तो जग जाहिर है जी। इसके प्रति विशेष श्रद्धा भिक्षुओं के प्रति भी थी जी। हाँ जी, अभी और सागर जी से बता चुके उस काल में महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च स्तर की थी जी। हाँ, महिलाएं भी अर्हत हो सकती थी ऐसा हम लोग बौद्ध काल में जानते हैं जी। हाँ, चलिए हम आपको बौद्ध विहार दिखाएंगे, अवशेष दिखाएंगे जी। हाँ, और ये जो विहार है, जो स्मारक है, स्मारक में जो शिल्प मिले थे अवलोकितेश्वर के या फिर कुछ ओटीव जो ये है मूर्तियां है बुद्ध की वह पाई गई थी, हम वह भी देखेंगे। और यहाँ पर एक शिला है, बहुत बड़ी शिला है और उस शिला के ऊपर बहुत बढ़िया कारागिरी की गई है और वज्रयान पंथ के जो शिल्प है वह यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। आइए उसके हम जानकारी लेते हैं। वज्रयान का भी प्रभाव था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारे पीछे जो स्मारक है, स्मारक की नींव हमें दिखाई देगी, तो कितनी मजबूती स्मारक की उस समय पे होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए पहले चरण में यहाँ पर पत्थर से किया हुआ काम दिखाई देता है और उसके ऊपर ईटाओं से इसका पूरा रचना थी और बाद में इसे प्लास्टरिंग भी किया गया था। और साथ ही साथ इसके हम एक कोने देख रहे हैं, मतलब ये विहार के जो कोने हैं किस प्रकार से सजाए गए थे, मतलब किस प्रकार से उसे बनाया गया था, मतलब आज का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उससे भी कई अधिक गुणा उस समय में आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था वो अपने चरण सीमा पर था, इसका यह जीता जागता सबूत है जी। यहाँ जैसे बताया सागर जी, आज उस जमाने में आर्किटेक्चर काफी उन्नत था। इस बात का प्रमाण मिलता है कि जो पानी निकालने का आप देखिएगा जो निकासी द्वार है जी। हाँ, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि जैसे लगता है उसको कल ही निर्माण किया गया जी। हाँ जी हाँ, एकदम सुसज्जित रूप से उसका
जी हाँ स्थापना की गई है। तो चलिए हम लोग जी हाँ, और ये बिहार के हम आगे जाकर खोलिया देखेंगे। खोलिया भी बहुत, आज भी हम देखेंगे तो आज भी बहुत ही अच्छे से वो, मतलब उसकी उनकी हालत जो है वो बहुत ही ठीक ठाक है। लेकिन क्या होता है, अक्सर लोग जो है अनजाने में ऐसे जो स्मारक, जब भारतीय पुरातन विभाग इसके ऊपर काम नहीं करता या फिर उनकी नज़र नहीं पड़ती, तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे जगह की जो ईंटाएँ हैं जो कि व्यवस्थित रूप से पूर्ण रूप से जो ईंटाएँ हैं, ईंटाएँ लेके जाते हैं, उनसे घर बनाते हैं, या फिर इनका गलत इस्तेमाल हुआ हुआ हमें दिखाई देगा। और आगे यहाँ से हम जाएंगे तो आगे यहाँ पर एक छोटी सी आपको एक झोपड़े टाइप बनाया हुआ दिखाई देगा, लकड़ी का छोटा सा। वहाँ पर जो शिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे बताया जाता है वो विश्व में कि पहली यहाँ का जो शिल्प है अवलोकितेश्वर का वो है। चलिए वो देखेंगे। और कृष्ण का है और विश्व की एकलौती ऐसी ये मूर्ति ऐसा माना जाता है। जी हाँ, चलिए। इसकी पहचान जर्मनी की एक महिला इतिहासकार ने की थी। जी हाँ, चलिए आइए आगे बढ़िए। देख पा रहे हो आप, ये जो कोणा है, इस कोणे को भी जो सर्कल है, ये कोणा सर्कल आकार में, गोलाकार में बनाए गए थे कोणे। और ये पत्थर देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर को उस ज़माने में, मतलब आज से करीबन 1200 साल पहले किस तरीके से तराशा गया था। ये जो बौद्ध विहार हम देख रहे हैं, इसका जो निर्माण है 8वीं से 9वीं शताब्दी में किया हुआ था। आइए यहाँ पर देखिए हम जिस चीज़ की बात करें, जो अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है, जो कि विश्व में की यहाँ की सबसे पहली जो प्रतिमा है वो यहाँ पर पाई गई है, वो हम देखेंगे। आइए यहाँ पर ये देखिए, आप देख सकते हो इस प्रकार की यह शिला यहाँ पर है। इस बात से ऐसा ही पता चलता है कि यहाँ महायान एवं वज्रयान जी हाँ और तंत्रयान का भी प्रभाव साफ दिखता है। जी हाँ, देखिए ये जो शिल्प है, इस शिल्प में देखिए अवलोकितेश्वर है, अवलोकितेश्वर के बगल में यहाँ पर कुछ जो डांस फॉर्म दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कुछ डांस फॉर्म दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ हाथ में देखिए तबले है, उस प्रकार के जो वादक है, उस प्रकार के वो वादक हमें दिखाई दे रहे हैं। ये यक्ष है या फिर यहाँ पर जो अवलोकितेश्वर है वो हमें दिखाई दे रहे, ऊपर से गंधर्व जो है वो दिखाई दे रहे दोनों बगल में। साथ में यहाँ पर नाग रूपी एक जो बोधिसत्व है, सॉरी अवलोकितेश्वर है, वो हमें दिखाई दे रहे नाग, वो यहाँ पर देखिए। और जी हाँ, और यहाँ पर अलग अलग वादक लेके, मतलब जो सेलिब्रेशन है, जो उत्साह है उस समय का, वो हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि उस समय पर, यानी 8वीं से 9वीं शताब्दी में पूरे बिहार राज्य में जो बौद्ध धर्म है वो अपनी अंतिम चरण सीमा पर था, यानी कि बड़े पैमाने में फैल चुका था। और ज़्यादातर यहाँ पर जो महायान की जो वज्रयान शाखा है वो बड़े पैमाने में यहाँ पर फल और फूल रही थी। ये जो अभी हमने अवलोकितेश्वर की जो शिला देखी, इस प्रकार के अनेकों शिलाएं यहाँ पर है, अभी भी इसका उत्खनन कार्य होना बाकी है। और साथ ही साथ ये जो स्मारक देख पा रहे हो वो अभी खंडित हो चुका है, लेकिन यहाँ पर माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया था इस स्मारक को सामने लाने के लिए, और साथ ही साथ 28 करोड़ का यहाँ पर इसको उत्खनन के लिए यहाँ बजट दिया गया था, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। आप देख पा रहे हो हमारे जो सहयोगी मित्र है प्रिंस जी, यहाँ पर एक जो शिल्प है उस शिल्प देख रहे हैं और उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और ऐसे अनेकों जो शिल्प है, मतलब ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, आइए आप यहाँ पर इसकी चिकनाहट देखिए। ये जो थी जल निकासी का जो है संसाधन, जी हाँ, इसका आर्किटेक्ट आप भी देखिए किस स्मूथ रूप से किया गया था, इसको दिखाइएगा। जी आइए, इस सबसे उत्तम नमूना हो सकता है, अगर किसी आर्किटेक्ट का नमूना हो सकता है, देखिए किस कैटेगरी से इसका जो शिल्पकार की है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही गहराई से उन्होंने उस इस तो मतलब वज्रयान और महायान की शाखा को स्पष्ट दिखाते हैं। ये देखिए, इसको दिखाइए आपको, इसको देखिए, ये जो कारागिरी आप देख पा रहे हो ये देखिए। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ खुदाई 2020 से बंद हो चुकी है, अगर यहाँ पे विस्तृत रूप से खुदाई इसका संरक्षण होती है और एक संग्रहालय बन जाती है तो उसके बाद इसमें 4 चांद लग जाएंगे, बिहार के इतिहास में 4 चांद लग जाएंगे। जी हाँ, और क्योंकि यहाँ पे खुदाई होना अति आवश्यक है, क्योंकि खुदाई अभी आधी अधूरी है, और हमारा बोधिसत्व की टीम की ओर से बिहार सरकार को
निवेदन है कि वो जल्द से जल्द खुदाई करवाए और इसके अनुरूप काम करें। जी हाँ, यहाँ जो सुरक्षा की व्यवस्था है। जी हाँ, दो इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया, वो अभी भी सामने आना जरूरी है, मतलब दुनिया के सामने ही आया, मतलब इसका पूर्ण रूप से उत्खनन होगा तभी हमें पता चलेगा दरअसल ये क्या, मतलब क्या क्या स्मारक में बनाया गया था। आज भी आप देखिए तो इसका न्यू में कोई खरोच सा नहीं पड़ा हुआ है। जी हाँ, और जो भी क्षति होती है वो ज्यादा मानव क्षति होती है। जी हाँ, यहाँ पर वो ईटाएं देख सकते हो, जितना भी उत्खनन किया है यहाँ पे, आप बॉर्डर देख पा रहे हो उत्खनन के, यहाँ पर पूरी ईटाएं बिखरी हुई, यानी कि जो स्मारक है ये उस समय पे कोलैप्स हुआ था, यानी वो ढह गया था, ढह जाने के कारण ये जो ईटाएं है पूरे पहाड़ी पर बिखरी हुई है। तो हम आए हुए हैं इस पवित्र स्थल पर, तो आपको बता दें यहाँ पर प्राचीन काल में जैसे प्रिंस बुद्ध मित्र जी ने जानकारी दी, यहाँ पर भिक्षुनी संघ रहा करती थी। हम जब भी कभी जो बुद्धिस्ट प्रेयर करते हैं उस प्रेयर के अंदर हम जो ऐसे पुरातात्विक स्थल है उनको हम वंदन करते हैं, जैसे कि वंदामि चेत्यंग सब्व सब ठाने सुपटितितंग शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलंग सदा, यानी जहाँ जहाँ पर बुद्ध के शारीरिक धातु यानी अवशेष है, जहाँ जहाँ पर चैत्य है, जहाँ जहाँ पर बोधि वृक्ष है, वह सारे के सारे बुद्ध के रूप है। तो हम इसको वंदन करते हैं, इसको हम नमन करते हैं। चलिए आगे की जानकारी हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शिलाएं देखिए, ये जो विहार था जिसे मठ कहते हैं यहाँ के लोग आमतौर पर, तो इस मठ का ये प्रवेश द्वार है, और इस मठ के प्रवेश द्वार पर हमें ये देखिए इस प्रकार की शुरुआती में शिला दिखाई देगी। जी हाँ, नक्काशी की है, जैसे लगता है कल ही तराशा गया। जी हाँ जी हाँ, इतनी इसमें जो ब्लैक ग्रेनाइट जैसा पत्थर लग रहा है। जी हाँ, इसमें कितनी खूबसूरत से नक्काशी की गई है, बाहर भी एक स्तंभ मिला था। जी हाँ, और ये हालांकि प्रमुख द्वार होगा। जी हाँ, और चलिए हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। कष्ट देखिए, लाल पहाड़ी और बगल में काली पहाड़ी, बिछवे की पहाड़ी है। हाँ, तो कनिंघम यहाँ 1871-72 के दौरान आए। हाँ, पासी के पहाड़ी घोसी कुंडी में खुदाई कर भगवान बुद्ध का राख का उनका अवशेष धातु बॉक्स में धातु से राख निकाला। हाँ, और उसमें कहा जाता है कि आसपास के गांव क्षेत्र, अब नीचे लाल पहाड़ी के नीचे गांव में जाएगा तो बड़े मात्रा में इस ईंटों का अवशेष को वहां पे उपयोग किया गया है। तो इससे साबित होता है कि उस काल में यानी गुप्त और पाल काल के समय में ये बिहार बहुत बड़ा अपने स्वर्ण युग में था, कह सकते अपने स्वर्ण युग में था और काफी विकसित अवस्था में था। और पास में ही क्यूल नदी है जिस पर प्राचीन काल में आसपास क्षेत्र को क्रिमला कहा जाता था। क्रिमिल के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि क्रिमिल इस नगर का नाम कैसा पड़ा। हम भारत के अनेकों कोने में देखते हैं उस समय पे स्त्रियों को बहुत ही प्राधान्य दिया जाता था, यानी कि स्त्री प्रजासत्ताक जो राष्ट्र है वह उस समय पे कहलाता था, यानी कि उस समय पे यहाँ पर जो स्त्रियों को जो समानता बौद्ध धर्म में मिली थी वह हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उस प्रकार का यहाँ पर ये जो स्मारक है यह स्त्रियों के लिए निर्माण किया हुआ, हमें ये जो बौद्ध विहार है वह दिखाई देता है, उसके बारे में प्रिंस जी भी जानकारी देंगे। इससे सबसे बात की स्पष्ट पता चलती है कि बुद्ध काल के लगभग बारहवीं शताब्दी में स्त्रियों की जो स्थिति थी पुरुषों की समान स्थिति थी, क्योंकि स्त्रियां भी निर्माण प्राप्त कर सकती थी, स्त्रियां भी उतना ही बौद्ध धर्म में एक स्थान रखती थी जितना एक भिक्षु रखता था, उसके बराबर ही स्थान भगवान बुद्ध खुद कहकर गए थे कि भिक्षुनियां भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकती है। इसे इस स्थिति का पता चलता है कि प्राचीन बिहार की भूमि और जो क्रिमला नदी का आसपास का क्षेत्र था उस समय स्त्रियों का प्रधानता थी। जी हाँ, यहाँ से काफी विदुषी निकली है। जी हाँ, वो तो काफी डिटेल्स की विषय है, हमारे सागर जी और बताएंगे। जी हाँ, और एक बात बता दूं, यहाँ पर जो ये जो सारे मतलब ये जो स्मारक है, इन स्मारकों का उल्लेख जो है ज्यादातर जो तिब्बतियन ग्रंथ है, यानी कि तिब्बतियन उस समय के जो उस समय के जो विजिटर है, क्योंकि उस समय पे बिहार में जो है 8वीं से 9वीं शताब्दी में बड़े पैमाने में जो तंत्रयान जो सेक्ट है या फिर महायान की जो एक शाखा है वो बड़े पैमाने यहाँ पर फूला फैला करती थी, इस वजह से यहाँ पर उनका जो प्रभाव है वो बड़े पैमाने में दिखाई देता है। और ज़्यादातर हम आज भी देख पाते हैं तो तिब्बतियन जो कंट्री है वो ज़्यादातर तंत्रयान और जो महायान परंपरा है उसको ज़्यादातर मानने वाली है, मतलब उस समय से उनका यहाँ पर आना जाना हुआ करता था। और ये जो बिहार राज्य है, जैसे कि जो जिस प्रकार के सिल्क रूट हमें अन्य जगह पर दिखाई देते हैं, अन्य मतलब राज्यों में दिखाई देते हैं, उस प्रकार का जो सिल्क रूट है बिहार में भी हुआ करता होगा, क्योंकि हम देख पाते हैं तिब्बत हो, नेपाल हो, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर ज़्यादातर कोरिया श्रीलंका से लोग यहाँ स्टडी करने आ रहा था, नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदनपुरी महाविहार। जी हाँ, बिहार शरीफ में है और भी जो जगह से तो लोग आते थे, तीर्थयात्रा करते थे, क्योंकि आसपास क्षेत्रों में देखिएगा तो बोध गया बिहार में है,
कुशीनगर भी कुशीनगर जो उस समय मगध में आ गया था, लेकिन कुशीनगर भी आजकल की यूपी के बिहार से सटा हुआ है। जी हाँ, लुम्बिनी कपिल वस्तु भी है तो ज़्यादा दूर नहीं है अपना, बिहार यूपी के नेपाल का बॉर्डर पर है, मौजूद है। तो इससे पता चलता है कि बिहार का महत्व तो सागर जी का कहना सच है, ये उस समय में किसी न किसी बड़े मार्ग से जुड़ी रही होंगी। और इसी काल में मार्ग में यहाँ से ये नालंदा और विक्रमशिला के बाद ऐसा महाविहार है जहाँ पे इस पे मुद्रा पर लिखी हुई इसकी नाम मिली हुई है। जी हाँ, क्योंकि बता दें आपको, ये जो स्थल निर्माण करने का जो मकसद रहा करता था, जो भी उत्पन्न उस समय पे, मतलब जो सिल्क रूट पर उत्पन्न पाया जाता था, उसी उत्पन्न में से मतलब वो जो आवत आती थी, यानी कि जो फाइनेंस जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट होता था व्यापार से, उसी से ही ये स्मारक बनाए जाते थे। अगर यहाँ पर उस समय रेवेन्यू जनरेट होता था, यानी कि यह एक व्यापारी मार्ग रहा होगा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि पाल काल का सेंटर रहा है, क्योंकि शासन का इकाई का भी यह सेंटर रहा है, यानी केंद्र रहा है। इसी बात का महत्व से लगा सकते हैं कि पाल काल एक समय में मगध एवं उत्तरी भारत का काफी शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। देखिए यहाँ पे अभी तक विशेष रूप से खुदाई नहीं हुई है, क्योंकि पिछले 1918 में भी खुदाई हुई थी, लेकिन बरसात के कारण बंद कर दी। इस जगह को सागर जी बहुत विस्तृत रूप से खुदाई उत्खनन करने की आवश्यकता है और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अब देख सकते हैं अभी भी अवशेषों का जो उत्खनन प्राप्त हुआ है, अभी भी एक बड़े मात्रा में अवशेष मिलने और बड़े मात्रा में जो भी अवशेष है मिलने की संभावना है। और सागर जी इस स्ट्रक्चर को आप देख पाइएगा। देखिए और एक बात बता दो आपको, हम नीचे गांव से ऊपर आते समय, यानी कि इस पहाड़ी के पहाड़ी पर आते समय जो बहुत बड़ी बड़ी जो शिलाएं हैं, मतलब इस स्मारक की शिलाएं नीचे गांव में बिखरी पड़ी हुई थी, यानी कि जो मूल स्ट्रक्चर था, वो मूल स्ट्रक्चर जो है उसका मतलब बहुत सा हिस्सा जो है पाल काल की ईंटें, जो आज भी आप गांव से ग्राम में जाइएगा तो काफी लोग उसको यूज किए, मतलब घर बनाने के लिए। पाल यही की ईंटें से बने हैं और ये उपेक्षा का शिकार है अभी भी, तो सरकार के द्वारा से ध्यान तो गया है, लेकिन इनको चाहिए कि विस्तृत रूप से संरक्षण खुदाई कर इसके इतिहास को सामने लाया जाए। जी हाँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बिरले बौद्ध स्तूप है, बहुत बिरले बौद्ध विहार है। जी हाँ, बहुत बड़ा ये मठ है। तो और सबसे बड़ी बात है कि इसे बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाना चाहिए, बोध गया राजगीर की तरह इसे भी लाल पहाड़ी को, लखीसराय की लाल पहाड़ी को जोड़ना चाहिए। और इसे आसपास के क्षेत्रों का प्राचीन नाम क्रिमला का नाम पर ही रखना चाहिए, क्रिमल रिवर के नाम पर, क्यूल रिवर जो आप देखते हैं आसपास में, उसी का बिगड़ा हुआ शब्द क्रिमिल। क्रिमिल के बारे में आप बता चुके, भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद के सहयोगी थे, उन्हीं के यहाँ के जो क्रिमिल राजा के सृष्टि थे उसका पुत्र थे क्रिमिल, और क्रिमिल के ही बुलावे पर भगवान बुद्ध 13वां 16वां 19वां वर्षावास चलिए पर्वत, यानी इसके आसपास पर्वतों पर विहार किए थे। तो इस महत्व का, इस बौद्ध जगत में और पुरातात्विक जगत में इस क्षेत्र का महत्व काफी है। और यहाँ तो 1 जनवरी और 14 जनवरी के लोग मेला भी लगते हैं, कि घोसीकुंडी पहाड़ पर लोग आते हैं। हालांकि इसे अब संरक्षित कर दिया जाए ये हर्ष की बात है, लेकिन इसकी खुदाई आवश्यक है। जी हाँ, ज़रूर खुदाई भी आवश्यक है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नालंदा हो, बौद्ध मतलब बौद्ध गया हो, राजगीर हो, जिस प्रकार से आज लोगों के सामने वहाँ के स्थल आए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ का जो ये स्थल है, यानी कि ये जो विहार है, इस विहार को भी सामने लाना जरूरी है, इसका भी प्रचार प्रसार उस तरीके से करना जरूरी है। और जो यहाँ पर जो उत्खनन किया गया, जो खुदाई की गई है, उसको अंतिम अंजाम देना होगा। अंतिम अंजाम देने के बाद यहाँ से जो भी यहाँ का इतिहास बाहर आएगा, वैसे भी जो इतिहास अभी तक बाहर आया हुआ है, या फिर उत्खनन करते समय जो अवशेष यहाँ पर पाए गए, वो आश्चर्य में डालने वाले हैं। और सोचिए अगर पूरा उत्खनन होगा तो कितना बड़ा आश्चर्य होगा, यानी कि यहाँ पर जो भिक्कुनियों के जो अवशेष पाए गए, मतलब भिक्कुनी यहाँ पर रहा करती थी, और उस समय पे यहाँ पर से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बड़े पैमाने में। यहाँ गेट का भी, जो गेट दरवाजे का भी प्रमाण मिला है, तो ऐसा नालंदा और विक्रमशिला में नहीं मिला है। इससे साबित होता है कि वहाँ गेट नहीं होते थे, लेकिन यहाँ मिला है, तो इससे इस बात की पुख्ता होती है कि यहाँ भिक्कुनी रहती थी। सिक्योरिटी पर्पस यहाँ का, जी हाँ, सिक्योरिटी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पाला डायनेस्टी, पाला वंश जो है, पाला वंश ने यहाँ पर बड़े पैमाने उस समय पे बौद्ध धर्म के लिए काम किया। घोसीकुंडी के पहाड़ पर चलेंगे तो वहाँ ऐसा दावा किया जाता कि बौद्धों को 3 सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक अधिम पिटका का भी निर्माण वहाँ पर किया था। इस महत्व, हालांकि बौद्ध जगत में इस महत्व का नाम तो है, लेकिन लोग उतना नहीं जानते जितना बोधगया राजगीर कुशीनारा लुम्बिनी को जानते हो। हाँ, इसको हम लोग उस स्तर पर लाना है। और सागर जी, महाराष्ट्र गुजरात के विनती क्या करेंगे आप बोलिए। जी हाँ, तो आपसे अनुरोध है, आप सभी से, सभी देशवासियों से अनुरोध है, आप जब भी कभी बिहार में आओ या फिर बोधगया की यात्रा के लिए आओ, तो आप ये जो लखीसराय वाला क्षेत्र है, इस लखीसराय में ये जो लाल पहाड़ी पर ये जो विहार है, इस विहार को आप ज़रूर आकर मिले, इसकी ये देखने की कोशिश करें, अपना गौरवान्वित इतिहास देखिए, उसको आप गौरव से महसूस कीजिए।